हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आ चुका हूं मैं आप सबके सामने क्लास 12 के अप्लाइड मैथ्स का पाइप एंड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। और इसमें सबसे पहले आपको मेन मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। उससे पहले मैं दो मिनट का आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जिसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। और आप सबको बताना मैं चाहता हूं कि 12 के बाद अगर आप किसी भी एंट्री एग्जाम्स में आप जाते हैं तो बहुत बार पाइप एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन उठ के आते एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके मेन मेन पॉइंट्स और इसका इंट्रोडक्शन। पहले मान लो दो टैंक है, टैंक वन टैंक टू, ठीक है। अब इसमें टैंक वन जो है उसमें पानी का फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, लेकिन टैंक टू जो है एकदम खाली पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ टैंक वन से टैंक टू में पानी ट्रांसफर करना। अब वो कैसे हो रहा हमारा, उसके बीच में एक पाइप डाल लो। जैसे मैंने बीच में पाइप डाल दिया तो मैं बोलता हूँ कि टैंक वन में पानी का फ्लो जो हो रहा है हमारा, उससे भी आप पर टैंक टू में पानी आ रहा। अब इसमें हमें ये समझना है, इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि कितनी स्पीड से हो रहा, कितनी क्वांटिटी फिल हो पाएगी हमारे, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा, यानी टाइम और डिस्टेंस हमने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, टाइम एंड वॉल्यूम हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उससे बिहेव पर हम करने वाले हैं। और उसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं। अब हम समझते हैं कि मेन मेन पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे जाकर आप दे सकते हो, लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया जाकर आप ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने अभी कर बुक परचेस करी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक आप परचेस करो। अगर बुक नहीं परचेस करी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर मैंने फ्री में आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करी हुई चैप्टर वाइज, जाकर भेज सकते हो। वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन क्लास में, जिससे भी आप पर आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीरीज पर आ रहे हैं, हम मेन मेन पॉइंट्स पर आ रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं मेन पॉइंट्स पर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन होने वाले हैं। अपनी नोटबुक ओपन करो, नोट्स मेंटेन करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पॉइंट लिखने स्टार्ट करो। पहले 3 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारे इसमें क्या होने वाला है हमारा, इफ़ एन इनलेट पाइप कैन फिल्ड अ टैंक इन एक्स आवर्स देन पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर इक्वल्स टू में 1/x। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। इनलेट पाइप क्या हो गया हमारा, जिसके थ्रू हमारे क्या है पानी फिल्ड हो रहा है हमारा, ठीक है, पाइप है हमारा, उसमें क्या है हमारा टैंक को फिल किया रहा है एक पाइप है हमारा इनलेट पाइप, उसके थ्रू क्या है पानी भरा जा रहा है हमारा टैंक के अंदर। एच आर्स में क्या हमारा पानी भरा जा रहा है, तो देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड कितने आवर्स में हो रहा, अरे 1 आवर की हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना हो रहा हमारा, वो हो रहा 1/x, 1 यानी 1/x आवर्स में क्या हो रहा हमारा कंप्लीट हो जा रहा, पूरा टैंक फिल्ड हो जा रहा हमारा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा, इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी आवर टैंक इन y आवर्स देन पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय पाइप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/y। मतलब क्या है, अगर इनलेट पाइप है, ठीक है, वो एक टैंक को फिल कर रहा है कितने आवर्स में कर रहे हैं, 1 आवर की बात करें क्या हो रहा हमारा 1/x आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एक पोर्शन में एक टैंक में पानी फिल्ड हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा खाली भी हो रहा, वो क्या हो गया हमारा आउटलेट पाइप हो गया हमारा। जब खाली हो रहा है तो उसमें क्या हमारा कितने टाइम में खाली हो रहा, तो वायर्स हमारा हो गया और 1 आवर के हिसाब से बताया कितना हो रहा हमारा 1/y। करना कुछ नहीं है, एक बार ध्यान रखना, जितने आवर्स हमें गिवन होंगे सीधा डिवाइड में देना, 1/20 हो गया या 1/5 हो गया, ये आप लिख लेना, जिससे भी आप पर आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखो ये दो पॉइंट्स का मतलब पता होना चाहिए, इनलेट का बता दिया मैंने जिसमें पानी भरा जा रहा है, और आउटलेट मतलब क्या है जिस टैंक से पानी खाली हो रहा हमारा, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसमें इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक एक्स आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन वाई आवर्स देन ओपन बोथ द पाइप्स, यानी इसमें क्या है हमारा दो टैंक हमें गिवन है, ठीक है, अब उसमें क्या है दोनों को सेम टाइम पर खोल दिया, पाइप को क्या हमारा ओपन कर दिया हमारा, अब इसमें पानी भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है दोनों तो सेम टाइम पे ओपन कर रहे हैं, तो इसमें दो सिचुएशन हमारी अराइज होने वाली है। पहली सिचुएशन हमारी क्या होगी, व्हेन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि टैंक को खाली होने का टाइम ज़्यादा लग रहा है हमारा और टैंक फिल्ड होने टाइम क्या है हमारा कम हो रहा है हमारा, यानी बोल सकते हैं कि टैंक खाली हमारा हो रहा है 20 घंटे में और यहाँ पर फिल्ड करने में लग रहा है, यानी पानी को भरने में टैंक को भरने में लग रहा है 10 घंटे, तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दी खाली हो रहा है हमारा, तो वाई स्प्रेडिंग क्या हो गया एक्स हो गया हमारा। इसी का इन्वर्स क्या हो रहा हमारा,
एच इज ग्रेटर देन वाई हो जाए हमारा। यहां पर बोल से यहां पर क्या हमारा खाली होने में टाइम ज्यादा रहे हमारा एच इज ग्रेटर देन वाई, यानी मतलब ये हमारा कि टैंक को भरने में टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है हमारा और खाली बहुत जल्दी हो रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बता रही है मैंने आपको कि जो वाई है हमारा वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टैंक को एम्प्टी होने में यानी खाली होने में टाइम ज्यादा लग रहा है और यहाँ पर भरने में टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन वन आवर क्या हो रहा है वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई, इसका हमने एलसीएम लिया क्या आ गया हमारा ये वाली फॉर्म हमारी आ चुकी है। जैसे बताऊं मैं आपको अरे इसका मैं एलसीएम लेंगे कितना है हमारा y माइनस एक्स हो गया एक्स वाई। अब इसको हमें बताना है टाइम टेकन, टाइम टेकन की हम बात कर रहे हैं रिवर्स करना पड़ता है हमें, यानी यही फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें वन अपॉन में y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे कितना है हमारा एक्स वाई अपॉन में क्या आ गया y माइनस एक्स। सेम यहाँ भी ऐसे हुआ है हमारा द पार्ट ऑफ द टेंट एम्प्टीड इन वन आवर, खाली होने टाइम बता रहे हैं हमारे एक घंटे में कितना हो रहा है वन बाई वाई माइनस वन बाई एक्स हो गया। सेम यहाँ भी हमें ऐसे करना है वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, वन अपॉन में क्या हो गया वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, इसे रेसिपल कर दिया तुम्हारा क्या है ये वाली फॉर्म तुम्हारी आ जाएगी हमारी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे आपके। अब चलते हैं रिमेनिंग दो पार्ट्स पर, उससे बाद हमारा मेन पॉइंट सारे कंप्लीट हुए ने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना नोट्स मेंटेन कर लेना, नोट्स मेंटेन करने में कंजूसी मत करना। चलते हैं हम कहां पर दो पार्ट्स पर जिससे बाद हमारा मेन पॉइंट्स कंप्लीट हुए ने हमारे। अब हम आ चुके हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पर, इसमें क्या हमारा इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन वाई आवर्स देन ऑन ओपनिंग बोथ द पाइप्स, यानी हमने क्या किया दोनों तो पाइप को टुगेदर हमने साथ में ऑन कर दिया, यानी एक टैंक है हमारा उसमें एक्स आर से और वाई आर से, ठीक है, यानी एक साइड से हमने पाइप ऑन करा दूसरी साइड से हम पाइप ऑन कर दिया हमने, यानी दोनों साइड से पाइप हमारा ऑन है, दोनों साइड से पानी का फ्लो हो रहा है, तो जल्दी हमारा टैंक क्या हो रहा फिल हो रहा हमारा। इसमें क्या हमारा ध्यान से इतना द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन वन आवर, देखो समझो हमसे पहले एक बार, एक साइड से टैप हमने ओपन कर दिया दूसरी साइड से टैप हमने ओपन कर दिया, अब इसमें क्या है टैंक जो हो रहा जल्दी फिल्ड हो रहा हमारा, तो यह इसमें क्या होगा एक साइड से जो था हमारा उसका क्या हो गया वन आवर क्या हो रहा हमारा वन बाय एक्स हो गया हमारा, दूसरी साइड से जो टैप था हमारा उसका कितना हो गया हमारा वन बाय वाई। तो इसका हमने क्या लिया टूगेदर वर्क कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया द टाइम टेकन टू द फिल द टैंक क्या हो गया, इसने सॉल्व किया और रिवर्स कर देना आपका अपने आप ये फॉर्म आपकी आ जाएगी। ये हमने लास्ट पॉइंट में बता दी थी मैं आप थर्ड पॉइंट में सेम वैसे ही करना आपको इसमें। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन वाई आवर्स बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन जेड आवर्स देन ओपनिंग ऑल द पाइप्स टूगेदर द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन वन आवर। अब इसमें क्या हमारा एक पाइप हमारा जो एक्स आवर्स में हमारा कंप्लीट कर रहे हैं फिल कर रहे हैं और दूसरा पाइप है जो हमारा क्या है वाई आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन तीसरा जो पाइप है वो जेड आवर्स में क्या है खाली कर रहा है, तो ये फॉर्म हमारी रहेगी दोनों साथ में क्या सेम वही फॉर्म प्लस कर दिया और जो खाली कर रहा है उसे हमने क्या किया माइनस कर दिया। सिंपल इसका एलसीएम लेना, देखो इसका हमने एलसीएम लिया क्या है हमारा ये वाली फॉर्म आपकी आएगी और फिर उसे रेसिप्रोकल आप कर लेना सॉल्व कर लेना आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी हिंट में एक्स वाई जेड हो गया हमारा, यहाँ पर हमने किया यहाँ पर इतना आ गया हमारा वाई जेड हो गया हमारा प्लस जेड एक्स हो गया माइनस एक्स वाई और फिर इसे रिवर्स कर लेना आपका क्या आ जाएगा द टाइम टेकन टू द फिल द टैंक ये वाली फॉर्म आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी था, समझ में आपको आ गया कि एक्स आवर्स में क्या हो गया हमारा टैंक फिल हो रहा है हमारा, वाई आवर्स में क्या है टैंक फिल हो रहा है हमारा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं अच्छी बात है टाइम कम ले रहा, लेकिन जेड पाइप क्या कर रहा है हमारा उसे निकाल रहा है यानी उसे क्या है एम्प्टी कर रहा है खाली कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस थर्टी हमने। क्लियर हो गया, तो यानी हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी कल चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करते बैटन प्रेस करें ना, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथ्स एनुअल साइट से जो भी अपडेट आती है और उनकी भी मैराथन हमारी चलती रहती है, बस करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैटन प्रेस करना है। हम चलते हैं एग्जाम्पल्स वाले जिसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले, क्योंकि अभी आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, अब एग्जाम्पल कर उनको कैसे अप्लाई करना है वो बताने वाला हूं मैं आपको। अब हम आ चुके हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर जिसके बाद हमारे मेन मेन पॉइंट्स होंगे सारे कंप्लीट होने वाले हैं,
सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स एंड अनदर पंप कैन फिल द सेम टैंक इन 30 मिनट्स। यानी ए टैंक हमारा, उसमें क्या है, पंप ए है हमारा जो 20 मिनट्स में फिल कर रहा है, पंप बी है हमारा 30 मिनट्स में फिल कर रहा है हमारा सेम टैंक को। इफ द बोथ पंप आर ओपन टूगेदर, दोनों पंप जो हमारे पंप ए पंप बी दोनों हमने ओपन कर दिया, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीट, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा वो हमें फाइंड करना है। अब इसमें क्या हमारा पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पंप इन वन मिनट कितना है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1/20 हो गया, क्लियर है। इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो फोर प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, इसमें हमने पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पंप इन वन मिनट, मिनट में फॉर्म हमें गिवन है तो मिनट में ले रहे हैं, और पर आवर हमें गिवन होती है तो पर आवर में हम लेते हैं। सेम वे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पंप इन वन मिनट कितना दिया हुआ हमारा, 30 मिनट्स बोला भाई, 1/30 हो गया। अब ये क्या है, कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें क्यों पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पंप इन वन मिनट कितना है हमारा, 1/20 प्लस 1/30। भाई प्रॉपर्टी नंबर आप फोर देख लेना, उससे भी आप पर आप क्लियर हो जा रहा। इसका आप एलसीएम लो, कितना है हमारा 60 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया 3+2 5/60 यानी 1/12 कितना आ गया 1/12। अब इसमें क्या है द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना है हमारा 12 मिनट्स, यानी 12 मिनट्स में क्या हो रहा हमारा पूरी तरह से, अरे पंप ए पंप बी दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो उसके भी ऊपर आपका क्या हो रहा 12 मिनट में कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन वन नंबर कंप्लीट हो गया। अब चल यहाँ पर क्वेश्चन टू पे चलते हैं जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। और हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं हमारा, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम ले रहा है वो बताना है हमें। सिंपल वही करना हमें जो हमने पहले किया था। इसमें एक बार ध्यान रखना, एक पाइप कर रहे हैं टैंक को फिल कर रहे हैं और दूसरा पाइप कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं हमारा टैंक में से। अब करना क्या हमारा पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप इन 1 आवर कितना हमें गिवन है, 1/3 हमें गिवन है, फिल कर रहे हैं ठीक है। पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय सेकेंड पाइप सेम वही इन 1 आवर कितना टाइम ले रहा वो 1/4। अब निकालना क्या है पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप क्या है, गैप ले लो यानी सर गैप क्या है 1/3 - 1/4 कितना आ गया इसका 12 से आ गया 4 - 3 कितना आ गया 1/12 यानी बोथ स्टेम इसमें क्या है द टाइम टेकन टू फिल्ड द टेंट कितना दे रहे वो 12 आवर्स में 12 आवर्स में क्या है कंप्लीट हो रहा है यानी 12 घंटे में क्या हो रहा हमारा पूरी तरह से टेंट क्या हो रहा हमारा फिल्ड हमारा हो जा रहा पानी से ठीक है। यानी क्वेश्चन टू भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चल यहाँ पर क्वेश्चन थ्री भी चलते हैं जिससे बिहाफ पर हमारे जो प्रॉपर्टीज थी अब वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करने हैं।
और हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं हमारा। टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन द बी टू फिल द टैंक अलोन, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन। मतलब इसमें क्या है ध्यान समझना, यानी ए और बी की हम बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर अगर फिल कर रहे हैं टैंक, कितना टाइम ले रहे हैं वो 10 मिनट्स ले रहे हैं। अगर पाइप ए जो है हमारा वो 50 मिनट्स कम ले रहा है किससे, बी से। मान लेते हैं कि बी क्या हो गया, बी अगर टैंक फिल कर रहा है तो वो एचआर में कंप्लीट कर रहा है, तो ए क्या हो रहा वो कम ले रहा है, 15 मिनट कम ले रहा है, वो कितना कम ले रहा है वो 15 मिनट कम ले रहा है, तो क्या हो गया हमारा एच माइनस 15 हमारा हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें क्या हमारा पाइप बी जो हमारा एच मिनट ले रहा है, और वही हम बात कर रहे हैं पाइप ए की हम बात कर रहे हैं वो क्या ले रहा है हमारा 15 मिनट कम ले रहा है बी के कंपेयर में, यानी अगर बी ले रहे हैं हमारा एच मिनट तो उससे 15 मिनट कम, यानी एच माइनस 15 क्या हो गया ए हमारा हो जाएगा। अब इसे करना क्या हमारा, लेट पाइप बी फिल द टैंक इन 1 मिनट, कितना ले रहे वो एच ले रहे हैं, लेट पाइप ए फिल द टैंक इन 1 मिनट, कितना ले रहे वो हमारा एच माइनस 50 मिनट से भी कम ले रहा है वो टाइम, ठीक है। अब हमें करना क्या है ध्यान से इतना, अब हमें करना क्या है सीधा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं यानी ए और बी, 1 बाय एच हो गया प्लस 1 बाय एच माइनस 15 हो गया, कितना आ रहा है वो 10 मिनट्स ले रहे हैं तो 10 हो गया हमारा। अब इसे आप सॉल्व करिए ना, इससे एलसीएम कितना आ गया एच आ गया एच माइनस 15 1 बाय 10 एच माइनस 15 प्लस एच कितना आ गया 2x माइनस 15, ये हमारा एच स्क्वायर माइनस 15x हो गया 1 बाय 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 20x हो गया 150 हो गया हमारा इक्वल्स टू में एच स्क्वायर माइनस 15x हो गया एच स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 150 इक्वल्स टू में 0 एच स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इक्वल्स टू में 0। अब यहां से आपको मिड स्प्लिट अप्लाई करना है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 30 × 5 कितना हो गया 30 × 5 यानी एच स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू में 0। कॉमन क्या आ रहा है एच आ रहा है क्या बचा एच माइनस 30, कॉमन क्या आ रहा है माइनस 5 क्या बचा एच माइनस 30 इक्वल्स टू में 0, कितना आ गया हमारा पूरे में कॉमन कितना आ रहा है एच माइनस 30 एच माइनस 5 बचा इक्वल्स टू में 0, कितना आ गया एच हमारा 30 हो गया और 5 कितना आ गया 30 और 5 5 हमारा पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है या देखो अगर मैंने यहाँ पर एच के रिप्लेस में क्या लिखा 5 − 15 कितना आ गया हमारा −10 और कभी भी टाइम हमारा माइनस में नहीं होता तो 5 हमारा पॉसिबल नहीं, क्या हो रहा हमारा 30 हमारा आ गया यानी बी इतना है हमारा 30 मिनट्स में फिल कर रहा है, यही हमें फाइंड करना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया यानी क्वेश्चन 3 भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस बात की श्योरिटी है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है पूरा क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है मेन पॉइंट्स और साथ में क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिया मैंने जिससे भी आप पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। बस करना क्या आपको इस चैनल पर अपडेट बना के रखनी है, आपको कैसे रखनी है वो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, और जिन बच्चों ने अभी कर टाइम लूप ज्वाइन किया जाकर आप ज्वाइन करो, लिंक कहां पर है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू एनी डाउट सजेस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ खैर।